लास्ट टर्म पर हमने इमेज फॉर्मेशन किया था कॉन्क्योलेंस के लिए, और क्या सीखा था थोड़ा जल्दी से एक बार आपको रिवाइज करा दें। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने कॉन्क्योलेंस के जितने भी पॉसिबल केसेस हैं इमेज फॉर्मेशंस के, वो सारे के सारे केसेस देखे थे। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्क्योलेंस के सामने कहीं पर भी रखा हो, ये हमारे पास में कॉन्क्योलेंस और इसके सामने ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये फाइनाइट डिस्टेंस पर है, निश्चित दूरी पर है, फिर कहीं पर भी। फाइनाइट डिस्टेंस में वो 2f से बाहर हो सकता है, फाइनाइट डिस्टेंस में वो 2f पर हो सकता है। फाइनाइट का मतलब आप समझो निश्चित दूरी पर है। तो जब ये कॉन्क्योलेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो हमेशा एक ही काम हुआ है ऑलवेज सिचुएशंस में, क्या रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉन्क्योलेंस, कॉन्क्योलेंस के सामने जब वो फाइनाइट डिस्टेंस पर है, सारे केसेस आगे बता। देखो फाइनाइट डिस्टेंस में वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है, फोकस पर भी हो सकता है। फाइनाइट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है एफ और टू एफ के बीच में। फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है 2f से बाहर। तो जब ये बात लिखी गई है तो ऑल द केसेस आर जो आपने लास्ट वाली क्लास में किए, जब ऑब्जेक्ट कॉन्क्योलेंस के सामने फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तो क्या देखने को मिला था, देन ऑलवेज हमेशा हमने ये देखा कि जो इमेज थी वो वर्चुअल थी, ऑलवेज वर्चुअल डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनती, वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी होती है, तो अगर वो नहीं भी लिखते हो तो अंडरस्टूड है, लेकिन लिख दिया चाहिए इमेज फॉर बिटवीन फोकस एंड लेंस, फोकस एंड लेंस। तो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में इमेज बना के भी देखे थे, रूल्स फॉलो किए थे इमेज बनाने के, तो हमेशा ये पाया था कि हमेशा और हमेशा जो इमेज है वो फोकस और लेंस के बीच में बनती है। आप ये भी कह सकते हो कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। केवल एक केस था जब इमेज फोकस पर बनी थी और वो VIP केस ये वाला था कि जब ऑब्जेक्ट इज एट ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस तब क्या हुआ था, तो वर्चुअल इमेज बनी थी, डिमिनिश्ड इमेज बनी थी, सीधी इमेज बनी थी, और तब इमेज बनी कहां थी, फॉर्म एट फोकस। ये दो बातें पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करेंगे, वही सारे केसेस, जितने केसेस हम लोगों ने कॉन्क्यो के लिए किए थे उतने ही सारे केसेस यहाँ पर भी करेंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन करना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को अच्छे से अरेंज कर लिया है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, फुल्ली इसको हमने लोड कर दिया है,
लोड कर दे देगा, मतलब कि जब आप लेंस बनाएं तो फिर इंतजार ना करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस बनाना है कि नहीं बनाना है, प्रिंसिपल एक्सेस 100% बनाना ही है, ऑप्टिकल सेंटर दिखाना है, फोकस और ट्रूअप दिखाना है, तो आप उस लेंस को लोड भी कर दें अच्छे से। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और इसको लोड कर दिया जाए फोकस से ट्रूअप से, इधर भी फोकस और ट्रूअप। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कॉनकेव वाले लेंस में जब हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को 2F से बाहर रखा गया था, यहाँ पर भी यही काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो 2F से बाहर, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट 2F से बाहर है। इमेज बनाने के रूल्स क्या कहते हैं, इमेज बनाने के रूल्स कहते हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइट की एनर्जी को लाइए और सामने वाली जो सरफेस है, मिरर है तो मिरर पर गिराइए, लेंस है तो लेंस पर गिराइए, प्रिज्म है तो प्रिज्म पर गिराइए, यानी कि जो ऑप्टिकल सरफेस है उस पर गिरा दीजिए। लाइट जो आप गिराते हैं आप उन लाइट्स का यूज करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, सिंपल हो जाएगा, जिनके रिफ्रैक्शंस के बारे में आप रूल बाई रूल जानते हैं। तो जब आप रिफ्लेक्शंस के रूल जानते हैं उन लाइट रेस का इस्तेमाल करिए। तो हमने यहाँ पर एक लाइट रे ले ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है कि ये हमेशा और हमेशा फोकस से पास होती है जब रिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो रियल में फोकस से पास होती है, हकीकत में फोकस से पास होती है। ये देखिए जो लाइट हमने ऑब्जेक्ट से डाली उसका रिफ्रैक्शन करा दिया, फोकस से पास हो रही। दूसरी लाइट अब हमें लेनी है, क्योंकि इमेज बनाने के रूल्स में एक पॉइंट ये भी आता है कि जहां पर इंटरसेक्शन लाइट रेस का होगा रिफ्रैक्शंस के बाद ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद, उसी जगह का नाम होगा इमेज। दूसरी लाइट रे सिंपल वाली हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट को देखो, बेहतर तरीके से कंसंट्रेशन करना है तो इस वाली लाइट को 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, 1 वाली जब लेंस से निकली तो 1 डैश हो गई और 2 वाली जब लेंस से बाहर आई तो 2 डैश हो गए। तो ये कह सकते हो, ये हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 2 नाम की जो लाइट रेज हैं वो ऑब्जेक्ट से निकली हैं, सामने वाले लेंस पर गिरी हैं और रिफ्रैक्शंस के बाद, रिफ्रैक्शंस के रूल्स के बाद वन वाली लाइट ने अपना काम किया है, फोकस से पास होती है रूल के अकॉर्डिंग, और जो टू वाली है वो डिपार्चर नहीं करेगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाले में डिपार्चर नहीं होता। तो वन डैश और टू डैश कहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद ये जहाँ कट करते हैं उस जगह को इमेज कहा जाता है। लीजिए बन गई इमेज A डैश एंड B डैश। तो क्या सीखने को मिला कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब ऑब्जेक्ट OF से बाहर होता है तो इमेज जो है वो रियल बनता है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन हुआ है ये अपने आप हुआ है, रियल इमेज बनता है, और लेंस के दूसरी साइड बनता है रियल इमेज, और उसकी जो जगह होती है F और 2F के बीच में, जो रियल इमेज बनी है वो F और 2F के बीच में बनी है। तो ये कॉन्सेप्ट अब हमेशा के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F देन रियल, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है याद रखो, रियल इनवर्टेड स्मॉल साइज इमेज फॉर इन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लेंस बिटवीन एफ एंड टू एफ।
केवल इमेज बनाना काफी नहीं है, वो इमेज फॉर्मेशन से जो चीजें निकल के सामने आती हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका आप जो है यूज करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उनका यूज करोगे आप अपनी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए कि ऐसा होने पर क्या हुआ था, वो याद होना चाहिए। देखिए सारी बातें हमने लिखी है यहाँ पर कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, जब ऑब्जेक्ट 2F से बियॉन्ड है, देख सकते हो 2F से बियॉन्ड तो रियल इमेज बनी है, उल्टी बनी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये आप हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लो कि रियल इमेज हमेशा उल्टी ही होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। तो रियल इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है, स्मॉल साइज इमेज बनी है, ये हमें कैसे पता चल गया? तो देखने से ही पता चल गया। फिर भी अगर आप कंफर्म नहीं कर रहे कि सर आपको स्मॉल साइज के बारे में कैसे पता चल गया, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्मॉल साइज के पीछे की कहानी क्या, जरा देखते हैं। एक जाना पहचाना फंडा है आई बाई ओ बराबर वी बाई यू फॉर द लेंस। लेंस के लिए कॉन्सेप्ट है, आई यहां पर इमेज का साइज है, ओ यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज है, और वी यहां पर डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और यू यहां पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। भाई हम लोग मिरर पढ़ के आए हैं, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमारे लिए ये नया नहीं है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये नई बात नहीं है। आई यहां पर है इमेज साइज, ओ यहां पर है ऑब्जेक्ट साइज। तो देखते हैं आई बाई ओ एक बार फिर से लिखा मैंने। V, देखो V की वैल्यू 2F से कम होगी, V की वैल्यू 2F से कम होगी। मुझे कैसे पता चला कि डिस्टेंस ऑफ इमेज की वैल्यू 2F से कम होगी? क्योंकि जो इमेज है वो 2F से पहले ही तो बनी है, जो इमेज है आपकी F और 2F के बीच में बनी है। तो यहां से लेकर के यानी ऑप्टिकल सेंटर से 2F तक की डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ की डबल। अगर हम फोकल लेंथ को स्मॉल f लिखें तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2f होगी। तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो 2f से कम होगा, ये पक्का हो गया। और जरा u, जरा देखो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से बाहर है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2f होगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस फोकल लेंथ की डबल यानी दोगुनी, और ऑब्जेक्ट हमारा 2f से बाहर है तो u की वैल्यू 2f से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 2f। तो यहां पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू 2f से कम है यानी छोटी है, और नीचे वाली वैल्यू 2f से बड़ी है। तो पक्का हो गया कि ऊपर वाली वैल्यू यानी v, तो i बाई ओ v आपका छोटा है और नीचे वाली वैल्यू u आपकी बड़ी है। ये कंफर्म हुआ कि v छोटी वैल्यू के साथ है और u बड़ी वैल्यू के साथ है। और ऊपर अगर छोटी वैल्यू है, नीचे अगर बड़ी वैल्यू है, तो हमेशा से ये होता रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा 1 से छोटे मिले हैं। तो छोटा अपॉन बड़ा लेस देन 1 ऑलवेज, ये जनरल सी बात है। छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू लेस देन 1, अगर कभी ऐसा हो बड़ी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसलिए राइट हैंड साइड लेस देन 1 होगा। यहां से कंफर्म हो जाएगा कि जो आई है वो लेस देन ओ है। आई माने इमेज का साइज और ओ माने ऑब्जेक्ट का साइज, एंड दैट इज व्हाई अपना पॉइंट कंप्लीट हमने लिखा है। एक बार फाइनली आपके लिए पढ़ते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द 2F तो रियल इमेज है, उल्टी इमेज है, दिखाई दे रहा है कि इमेज उल्टी बनी है और छोटे साइज की इमेज बनी है। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि साइज छोटा क्यों है, और वो जो रियल इमेज बनी है अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या ब्रैकेट में लेंस, अगर ऑब्जेक्ट लेंस के इस तरफ है तो इमेज लेंस के उस तरफ है, ऑब्जेक्ट वाली साइड में नहीं है, अदर साइड में। अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लेंस बिटवीन एफ एंड 2F,
तो ये हम लोगों ने पहला केस किया। चलते हैं दूसरे केस पर। कॉनकेव वाले लेंस में दूसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट करके 2f पर ले आते थे, तो ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया है 2f पर, ऑब्जेक्ट 2f पर पहुंच गया है। हम लोग इस समय सेकंड केस पर आ चुके हैं। अब क्या होगा, इमेज बनाने के रूल्स लगेंगे। इमेज बनाने के रूल्स हमेशा के लिए कंसेप्चुअल वे में वही होते हैं जो तुम फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हो। लाइट की एनर्जी को सामने वाली सरफेस पर गिराना चाहिए, तो ये हमने लाइट की एनर्जी को लेंस पर गिराया और इसको नंबर वन कह दिया। ये नंबर वन अपना काम पूरा करके यानी कि रिफ्लेक्शन का रूल मानते हुए फोकस से निकल आएगी। अब दूसरी लाइट रे लेनी है तो सबसे आसान होता है ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होती है वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। तो ये हो गई 2 डैश, आप देख सकते हैं 1 डैश 1 की साथी है, 2 डैश 2 का साथी है। 1 इंसिडेंट लाइट है, 1 डैश रिफ्रेक्टेड लाइट है। 2 आपकी इंसिडेंट लाइट है, 2 डैश आपकी रिफ्रेक्टेड लाइट है। और रिफ्रेक्शंस के बाद जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो इमेज कहलाता है। तो भाई देखें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, इमेज बन गए ए डैश बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। क्या हुआ, जो हुआ है वो सीखना पड़ेगा हमेशा के लिए रूल के साथ, एज ए रूल इसको याद रखना पड़ेगा। हमने यहां देखा कि जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा गया है, when object is at 2f, then real inverted same size image for an opposite side of lens at 2f। कमाल का फीचर है, सेम साइज क्यों कह दिया। अब की बार आप देख सकते हो सेम साइज के पीछे जो लॉजिक है वो क्या होगा। फंडा अगर हम रिपीट करें कि i by o is equal to है v by u, तो देखो अब v और u बराबर है, v बराबर u, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी लेंस से ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी। और इमेज कहां बनी है, 2f पर बनी है, तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो फोकल लेंथ के डबल यानी 2f के इक्वल होगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2f पर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी u ये भी 2f के बराबर होगा। और जब v और u बराबर होंगे तो i / o बराबर 1 होगा, तो i बराबर o हो जाएगा। सेम साइज की इमेज बनती है, सेम साइज की इमेज मिलती है। 2 केस हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और अगर पॉसिबल है तो ग्रुप में भी भेज दो, मैं अगले केस पर चलता हूं। तो चलते हैं तीसरे केस पर, जहां पर एक बार फिर से कॉन्वेक्स लेंस है और अब ऑब्जेक्ट पहुंचाया जा चुका है F और 2F के बीच। AB ऑब्जेक्ट, रूल्स फॉलो करते हैं, लाइट की रेस डालनी है हमको, ये नंबर वन है, ये अपना रूल फॉलो करके फोकस से पास हो जाती है। रियल में ये ऐसा करती है, 1 डैश हो गई और दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो जो इमेज बनी है गलत बनी है ये इमेज हमसे। अब गलती कहां हुई है जरा देख लेते हैं, जितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा उतनी ही, देखो ये गलती होगी, देखो ये गलती जो है मैं चाहता नहीं था ये गलती हो जाए लेकिन हो गई, ये आपके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जो रूल है मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है कि इमेज बनती कहां पर है, तो
आंसर है कि इमेज बनती है 2F से बाहर, लेकिन हमारी इमेज कहाँ बन रही है 2F से पहले, तो गलत है, क्योंकि ये बात मुझे पता है कि इस केस में इमेज 2F से बाहर बनती है, तो मैंने गलती कहाँ कर दी है और क्यों वहाँ पर जो है गलत हो गया है। तो जो लोड करने पर, जो लेंस को जब हमने लोड किया है, लेंस बनाया, लेंस बनाने के बाद में फोकस और 2F को रखा और इधर भी फोकस और 2F को रखा, तो रूल बुक में जो इधर वाला फोकस और 2F है और जो उधर वाला फोकस और 2F है वो तो सेम डिस्टेंस पर होते हैं। देखो ये गलती मैंने करी है, ये मैं मेरे पास स्केल नहीं, लेकिन आप समझ पाएंगे ये फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। देखो यहाँ पर ये अलग, यानी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर कम है, और इसलिए हम कितनी भी इरेज करें बार बार इसको, ये बार बार गलत ही जाना है। एंड दैट इज वाई जब आप लेंस को लोड करें तो स्केल की हेल्प लें, जितनी डिस्टेंस पर फोकस इस तरफ होगा उतनी ही डिस्टेंस पर फोकस उस तरफ होगा, और डबल डिस्टेंस पर 2F इधर, डबल डिस्टेंस पर 2F उधर। तो चलिए अब हम एक बार फिर से लेंस को बनाते हैं, और इसको अच्छे से लोड कर देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लोड किया है, फोकस 2F, ये रहा फोकस, ये रहा 2F, उधर भी फोकस और ये 2F। अब रिपीट करता हूं उस चीज को, ऑब्जेक्ट है एक, तो प्रोसेस वही, टाइम आउट का मैसेज है हम लोगों के लिए, प्रोसेस वही, लाइट को लेंस पर गिराया है, लीजिए गिरा दिया। अब मुझे पता है कि मैंने वो जो लोडिंग का लेंस की वो एकदम सही की है, तो गलती नहीं होगी, ये निकल गई फोकस से होते हुए बाहर 1' और जो लाइट यहां पर गिरी गई ऑप्टिकल सेंटर पर वो तो बिना किसी डिपार्चर के सीधे निकल जाएगी 2', ये रहा 2 का 2', और अब ये जहां पर भी मिलेंगे, देखो यहां मिले ये इमेज हो 1' और 2' बन गई इमेज। तो इस तीसरे पॉइंट में एक बहुत अच्छी चीज हो गई, अच्छी चीज ये हो गई कि अगर आप में से कुछ लोग इमेज बना रहे और गलत बन रही है, क्योंकि अब आपको पता तो यह है ही कि इस केस में इमेज यहाँ बनती है, नहीं पता धीरे धीरे पता चल जाएगा, और आपकी वो इमेज नहीं बन रही है, तो आपने लेंस को गलत तरीके से लोड किया है, तो लोडिंग पे ध्यान देना, डिस्टेंसेस सेम रखना। अब जो हुआ है उसको यहाँ बता दिया जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and 2F, then real inverted, real inverted, large। अब देखो दिख नहीं रहा है कि इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज है वो बड़ी है, तो इमेज बन रही है, इमेज फॉर बियॉन्ड 2F in opposite side of lens, या in opposite side of object, in opposite side of lens, या फिर object, जो चाहे वो कह सकते हैं। तो जो इमेज है वो लेंस के दूसरी तरफ बन रही है और 2F से बाहर बन रही है। अब लार्ज साइज वैसे तो दिखाई दे रहा है कि लार्ज साइज क्यों है, फिर भी अगर एक्सप्लेन करने को आए कि लार्ज साइज क्यों है,
वही फंडा लेंगे, आई बाई ओ बराबर वी बाई यू। अब की बार देखो वी बड़ा है और यू कैसा है, छोटा है। चलिए समझ लेते हैं, ऐसे तो बहुत जनरल सी बात है। वी बड़ा है, क्यों बड़ा है? अब की बार वी जो है वो 2f से ज्यादा होगा और जो यू है वो आपका 2f से कम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में है। ऊपर है बड़ी वैल्यू, नीचे है छोटी वैल्यू, तो ग्रेटर देन वन आएगा, तो आई ग्रेटर देन ओ हो जाएगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, ये केस हो गया। फिर अगला केस आपको पता ही है कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। तो नेक्स्ट केस पर चलते हैं और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहां पर, अब ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पर। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर, सेंटर ये रहा। तो ऑब्जेक्ट है फोकस पर, चौथा पॉइंट है ये रहा। चलो अगेन वी फॉलो द रूल्स, वन लाइट शुड बी इंसिडेंट ओवर द सरफेस सेम वन, मैंने इसको वन कहा है तो ये तो फोकस से पास हो जाएगी वन डैश। और दूसरी लाइट हम सिंप्लिसिटी के लिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, दूसरी वाली लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, वन डैश आपकी फोकस से पास हो गई, टू डैश और ये। नाउ चेक द सिचुएशन क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शंस के बाद ये दोनों लोग पैरेलल हो गए, और पैरेलल कहां मिलते हैं, तो हमें लगता है कि वो इनफाइनाइट पर मिलते हैं। जो रेल्स होती हैं आपकी, जो रेल्स मतलब जो रेल की पटरियां हैं वो हमेशा पैरेलल होती, कभी मिलती नहीं है। लेकिन अगर आप उनको देखो तो आपको लगेगा दूर वो कहीं जाके मिल गई है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डीलिंग करेंगे, ये इमेजिन कर लेंगे, ये सोच लेंगे कि जो ये पैरेलल रेल्स हैं वो अनंत पर जाके मिलेंगे। दूर कितना दूर, तो हम लोग उसको इनफाइनाइट कह देते हैं, तो वहां पे जाते ही मिलेंगे। तो ये जो केस है जिसमें हम देख सकते हैं कि इमेज बन रही है, वैसे ये केस मीनिंगलेस है, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो इमेज अनंत पर बनेगी वो तो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगी, और जो चीज तुमको दिखाई नहीं देगी तो हाउ यू श्योर कि इमेज बनी हुई है। तो ये केस थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रैक्टिकल कोई मीनिंग नहीं है, मतलब हम में से इस बनने वाली इमेज को कोई देख नहीं सकता, तो ये प्रैक्टिकल इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फॉर्मेलिटी कर लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट फोकस देन रियल इमेज फॉर एट इनफाइनाइट। रियल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वन डैश और टू डैश ये अपने आप मिल जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। जब पीछे ट्रेस करके मिलाते हैं तो वो वर्चुअल की फीलिंग आती है, तो ये वन डैश और टू डैश अपने आप कहीं इनफाइनाइट पर जाके मिल जाएंगे ऐसा सोचा जा रहा है, तो इसलिए हमने कहा कि रियल इमेज फॉर्म। लेकिन यहाँ पर ये भी आप याद रखो ये मीनिंगलेस केस है, मीनिंगलेस केस, क्योंकि इस इमेज को हम ऑब्जर्वर अगर हैं तो कभी देख ही नहीं पाएंगे, और जब देख नहीं पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बनी भी है कि नहीं बनी है। एंड दैट इज व्हाई ये मीनिंगलेस है, प्रैक्टिकल इसका कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका फोर्थ नंबर केस। पांचवा केस कॉन्वेक्स लेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, बारी है इसको लोड करने की, तो ऑप्टिकल सेंटर से लोड किया करें। जितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा
उतनी ही डिस्टेंस पर उधर भी फोकस होना चाहिए। ये फोकस हो गया, उतनी ही डिस्टेंस पर उधर भी फोकस होना चाहिए, ये फोकस हो गया। क्योंकि आपने देखा था तीसरे वाले केस में हमने यहाँ गलती की थी, तो उस गलती से कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही थी। और डबल डिस्टेंस पर 2F होना चाहिए। यहाँ पर अब जो ये ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पहुंच गया है। ये भी अब रूल फिर फॉलो कर लो। ये रहे लाइट जो लेंस पर गिरेगी, उसको नाम दे रहे हैं नंबर वन। ये नंबर वन फोकस से पास हो जाएगी, वन डैश। फिर दूसरी वाली लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और इसको हमने नंबर टू नाम दिया। ये होगा टू डैश। खुद ही देखो, डिसाइड करो क्या वन डैश और टू डैश आगे जाके मिल पाएंगे। की बार ये ऐसी हो गई है, वी बना रही है, वी वी फॉर वेल डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो वन डैश है और टू डैश है, ये आगे जाके तो मिल नहीं पाएगी। तो हमको तो इमेज बनाने का रूल्स बताया गया, सिखाया गया कि जहां ये मिलेगी वही इमेज है। हमको तो ये सिखाया गया जहां ये मिलेगी इमेज वही है। अब हम क्या करें, आगे तो मिलेंगे नहीं, तो वन डैश को पीछे ले जाओ। जब हम वन डैश को पीछे ले जाएंगे, स्केल रखेंगे और वन डैश को पीछे ले जाएंगे, और टू डैश को भी पीछे ले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये यहां कहीं पर मिले। तो ये बन गई इमेज ए डैश और बी डैश। पहली बार हुआ कि वर्चुअल इमेज बनी है। और जब तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से काम करता है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ये वर्चुअल की बड़ी इमेज बना रहा है, तो इसी कॉन्वेक्स लेंस को अब हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन फिर तुम्हारे ऊपर ये फाउंडेशन होती है कि तुम जो ऑब्जेक्ट रखोगे वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे। और जब तुम हमेशा ये काम करोगे कि ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे, तो तुम्हारा ये कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही वर्चुअल की बड़ी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, बड़े साइज की इमेज बनाएगा। तब तुम अपने इस कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो क्या हुआ यहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड लेंस, फोकस एंड लेंस, देन वर्चुअल मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होना, वर्चुअल मैग्नीफाइड। वर्चुअल इमेज हमेशा ही सीधी होती है, इरेक्ट इमेज फॉर बियॉन्ड ऑब्जेक्ट साइड, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट साइड। देखो ये जो साइड थी ये ऑब्जेक्ट की थी, इस ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड में ही वर्चुअल इमेज बनी है। ये पांचवा केस था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर आप बता सकते हो कि जब व्हेन कॉन्वेक्स लेंस फॉलो दिस फीचर, देन कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो
जब कॉन्वेक्स लेंस इस फीचर्स को फॉलो करता है, पांचवें वाले केस को फॉलो करता है, तो कॉन्वेक्स लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप का एक नाम और भी है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास सिंपल माइक्रोस्कोप का ही नाम। तो ये पांचवा केस हो गया। एक द स्क्रीनशॉट। अब लास्ट जो केस है, जैसे कॉन्वोलेंस में था वैसे यहां पर भी है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर होगा, तो पैरलाक्स मेथड की हेल्प से फिजिक्स इस बात को लॉजिकली प्रूफ करती है कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट हमेशा पैरलल होती है। छह नंबर केस कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छे से इसको नोट कर लिया गया है। फोकस है, ट्वाइस ऑफ फोकस है, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो हाउ यू शो दिस, आने वाली लाइट पैरेलल होगी ये नहीं, वन नंबर और टू नंबर। जब ये आने वाली लाइट पैरेलल है तो इनके बारे में हमें पता है कि ये तो फोकस से पास होती है, तो वन वाली पास होगी फोकस से वन डैश, टू वाली पास होगी फोकस से टू डैश। अपने आप यहीं पर कट कर दे, यहां पर इमेज बन। तो जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो क्या हुआ है, रियल इमेज बनी है। रियल इमेज फॉर एट फोकस, तो रियल इमेज फोकस पर बनी है। और अब पूरे सारे केसेस आ चुके हैं, तो तुम ये देख सकते हो कि जो रियल इमेजेस हैं वो हमेशा अदर साइड में जाके बनी है, ऑब्जेक्ट वाली साइड में नहीं बनी है, ऑब्जेक्ट साइड से उधर की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो वो अपना उधर जाके बनी है। और एक केस ऐसा था जहां पर वर्चुअल इमेज बनी है, केवल एक केस ऐसा था जहां पर वर्चुअल इमेज बनी है, तो वर्चुअल इमेज भी पड़ी थी। और आप देखिए तो कॉन्वेक्स वाले लेंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कॉन्वेक्स वाले लेंस ने सारे काम किए हैं। उसने छोटी साइज की भी इमेज बनाई है, उसने बड़ी साइज की भी इमेज बनाई है, उसने वर्चुअल भी इमेज बनाई है, उसने रियल भी इमेज बनाई है। अब हमारे पास में मेरे सिलेबस में ही आके दो लेंसेस थे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्क्यो लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और जो कॉन्क्यो लेंसेज हैं ये इमेज बनाते हैं, ये हमने देखा। ऑल द केसेस भी हमने वहाँ पे डिस्कस करके देखे कि कैसी कैसी सिचुएशंस में किस तरीके की इमेज बनती है। तो एक नोट है आपके लिए, लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला, और क्योंकि इस फार्मूले को गॉस ने दिया था इसलिए हम इसको गॉस फार्मूला भी कहते हैं। गॉस फार्मूला, सबसे पहले ये फार्मूला क्या है, उससे भी पहले एक बात और है कि ये जो फार्मूला है ये पतले लेंसेज में काम करता है, तो इट इज वैलिड फॉर THIC के थिक लेंसेज या फिर थिन लेंसेज। तो आप सब लोग जानो कि इस फार्मूले को जब गॉस ने दिया ये फार्मूला थिन लेंसेस के लिए है, थिक लेंसेस के लिए नहीं। क्या है ये को भी जाने के हम, ये फार्मूला जो है वो थिन लेंसेस के लिए है। क्या होता है फार्मूला, तो इसको कहते हैं गॉस फार्मूला। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस का 1 बाई ई, ये है गॉस फार्मूला। अब इस फार्मूले में जो एफ है वो फोकल लेंथ है, किसकी, लेंस की। इस फार्मूले में जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां से, लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फार्मूले में जो v है वो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। ये है गॉस फार्मूला, लेकिन ये पतले लेंसेस के लिए है, मोटे लेंसेस के लिए ये नहीं।
अच्छा इस फार्मूले में जैसे मिरर में साइन कन्वेंशन होता था, मिरर में हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, तो इस फार्मूले का भी यूज करते हैं विद साइन कन्वेंशन। तो यूज दिस फार्मूला, यूज दिस फार्मूला विद साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साइन कन्वेंशन आपको इस समय याद नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, परंजय बाबू आप बताइए साइन कन्वेंशन के जो भी पॉइंट्स आपको याद है बताइए भाई। साइन कन्वेंशन के जो भी पॉइंट्स आपको याद हो बताइए। तो इस फार्मूले को हमेशा साइन के साथ यूज किया जाता है, तो साइन कन्वेंशन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और वो अगर आपको नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मिरर में हम बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं आपको। लेकिन साइन कन्वेंशन हम बताएं उसके पहले ये जो लेंस का फार्मूला है जिसको कि कॉस फार्मूला भी कहते हैं, इसकी शक्लें बदल करके इसको एक नए रूप में ले आते हैं। देखो 1/f, 1/v, 1/u ये है लेंस का फार्मूला। ठीक, लेंस का फार्मूला है, किसने दिया था? गॉस ने दिया था। क्या प्रतिबंध है, क्या बाउंडेशन है? बाउंडेशन ये है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर द पतले लेंसेज, ये केवल थिन लेंसेज के लिए काम करता है, ठीक, कि थिक लेंसेज के लिए काम नहीं करता। अगर हम इस फार्मूले का थोड़ा सा रूप चेंज कर दें, यानी लुक अगर इसका चेंज करें, देखो कैसे, ये जो फार्मूला है हमने इसमें यू से मल्टीप्लाई किया और फिर हम इसी फार्मूले में वी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने इसमें यू से मल्टीप्लाई किया, देखो क्या बन जाएगा, यू के साथ नीचे एफ, यू के साथ वी और यू के साथ। अब U के साथ F, U अपॉन V माइनस तब ये U और ये U कैंसिल हो, ये जो 1 आया इसको इस तरफ ले U by F प्लस तब बराबर U by V। ठीक, अब यहाँ एलसीएम ले लिया इस जगह, ये आ जाएगा यू प्लस एफ इज इक्वल टू यू बाई यू। रेसिप्रोकल कर लो इधर का उधर का, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर बनेगा एफ अपॉन एफ प्लस यू, उधर बनेगा वी बाई। ठीक, इसको हम लोग फिर एक बार लिखते हैं, v बाई यू बराबर आ गया f अपॉन f प्लस u, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि v बाई यू बराबर क्या होता है m, और इस m को कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब वैसे तो पूरी बात यह है कि स्मॉल m बराबर होता है i बाई o बराबर v बाई, ये है आपका स्मॉल m का नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। i बता चुका हूं, i इमेज का साइज है, वो ऑब्जेक्ट का साइज है, v और u पता है, देखो यहां पे m लिख सकते हो, तो m बराबर हो गया f अपॉन f प्लस। तो ओरिजिनल लुक में ओरिजिनली देखा जाए तो आपका जो गॉस फार्मूला है वो ये है, लेकिन जब इसकी शक्ल बदल जाती है, जो कि मैंने अभी बदली, ये निकल के आता है m बराबर f अपॉन f प्लस u, ये आता है। अब अगर हम यहां पर v से मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला केस हमने आपको करके दिखाया, अब आप अपना खुद इसको ट्राई करना, जब आप इसको v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा m बराबर f माइनस v अपॉन f, तो m बराबर f माइनस v अपॉन, यानी ये तीनों काम के रिजल्ट्स हैं कि
फार्मूला आपका लेंस का क्या है, लेंस का फार्मूला ये है, ओरिजिनल वाला ये है, और जब हम इसकी लुक्स बदल लेते हैं तो बन जाता है एफ अपॉन एफ प्लस यू और एफ माइनस बी अपॉन एफ। ये तीनों ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, तीनों ही लेंस फार्मूले ओरिजिनल एंड द टू अदर्स। टेक द स्क्रीनशॉट, ये आप करिएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यू से मल्टीप्लाई करके हमने दिखा दिया, तो बिना साइन कन्वेंशंस के इस फार्मूले को यूज करने की परमिशंस तो है नहीं। जब साइन कन्वेंशंस के बिना ये फार्मूला यूज ही नहीं होता, और आपको अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता होगा तो फिर आप क्वेश्चंस 100% गलत कर दोगे। तो मिरर में बता चुका हूँ साइन कन्वेंशंस, एक बार लेंस में बता रहा हूँ, सुन लो। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इन लेंसेज और साइन कन्वेंशन इन मिरर्स। मिरर्स में साइन कन्वेंशन ने क्या कहा और लेंसेज में साइन कन्वेंशन क्या कहा? मिरर में पढ़ चुके हैं, मिरर में साइन कन्वेंशन कहता है कि यू, यू माने वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू का साइन ऑलवेज नेगेटिव, ये मिरर में कहता था। लेंस में भी वही यही कहता है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू वस्तु की दूरी है, यू हमेशा नेगेटिव होता है। मिरर में सेकंड नंबर पर आ गया, मिरर में जब कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जब कॉनकेव वाला मिरर था तो फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव होता था। सेम यहां पर कि फोकल लेंथ स्मॉल f पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। तो फोकल लेंथ का साइन जैसा मिरर में था वैसा यहां पर भी है। इसके बाद और आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट जो देखते हैं, छोटा एम लीनियर मैग्निफिकेशन, छोटे एम को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो छोटे एम का साइन नेगेटिव फॉर रियल इमेज, अगर रियल इमेज बन रही है तो छोटे एम का साइन नेगेटिव होता है एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो छोटे एम का साइन पॉजिटिव होता है। सेम यहां पर स्मॉल एम हैविंग नेगेटिव साइन फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव साइन फॉर वर्चुअल इमेज। अभी तक तो बिल्कुल मैचिंग हो रही है, कहीं कुछ अलग नहीं है। इसलिए अगर हमें मिरर वाला साइन कन्वेंशन पता है तो फिर लेंस वाला साइन कन्वेंशन भी पता हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ। जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो वी माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, वी का साइन नेगेटिव फॉर रियल इमेज, रियल इमेज और वी का साइन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक, तो यहां पर जरा देखें लेंसेज में ये उल्टा हो जाता है, केवल ये चौथे पॉइंट का यहां जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या है?
v माने डिस्टेंस ऑफ इमेज, v इज पॉजिटिव फॉर रियल इमेज और v इज नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में अगर लेंसेज में हो तो v आपका नेगेटिव होता है। फिर तीनों फार्मूले जो हैं a, 2, 3, अब इनका यूज करना है तो साइन के साथ, तो जो साइन कन्वेंशन मिरर का था ऑलमोस्ट वही पूरा पूरा लेंस में भी है, केवल चार नंबर पॉइंट जो मिरर में था वो यहाँ बदल जाता है। तो बिना साइन कन्वेंशन के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पता होते हैं, जैसे तुमने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ी तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फोकल लेंथ दिया गया था 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया था 30 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ दिया गया है, जो दिया गया है साइन उसी पर लगाना है, जो नहीं दिया गया है उस पर कभी साइन नहीं लगाते। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें फोकल लेंथ 20 दिया गया है, दिया गया है तो साइन लगाओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 दिया गया, 30 दिया गया है साइन लगाओ। डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा गया यानी वी नहीं दिया गया, जो नहीं दिया जाता है उस पर हम कभी साइन नहीं लगाते, जो दिया जाता है हमेशा उसी पर साइन लगाते हैं। तो जब हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे तो जैसे इस वाले फार्मूले में तीन लोग हैं, इन तीन में से कोई दो हमें दिए जाएंगे और तीसरा हमसे पूछा जाएगा। और इसमें देखो तीन लोग हैं एम एफ यू और इसमें भी तीन लोग हैं एम एफ यू। तो हर फार्मूले में कुल मिलाकर के तीन लोग हैं और ये जो तीन लोग हैं इनमें से कोई दो हमें क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, जो दिए जाएंगे हम उस पर साइन लगाएंगे और जो नहीं दिए जाएंगे हम उस पर कभी साइन नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली साइन के साथ ही निकल के आते हैं। तो ये था आपका लेंस का फार्मूला, आल्सो कॉल्ड द कॉस का फार्मूला। अब हम लोग लेंस में उस सिचुएशंस तक पहुंच चुके हैं जहां से हमको न्यूमेरिकल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। हर चीज लिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि लेंसेज में जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमें दिया गया है उस पर साइन लगेगा, जो नहीं दिया गया है उस पर साइन नहीं लगेगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखो, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म रियल इमेज विद मैग्निफिकेशन 4, फाइंड वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पता लगाना, कूल रहना है। क्वेश्चन में क्या दिया है उसकी लिस्ट बनाओ। क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दिया गया है। हाँ भाई, अब आप अपने अपने जो माइक हैं वो अनम्यूट करिए। क्वेश्चन में जो मैग्निफिकेशन दिया गया है 4, हम इसको किस सिंबल से लिखते हैं, कोई भी बताए। मैग्निफिकेशन को हम किस से लिखते हैं, क्या सिंबल है? मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या है भाई? अभी आपने देखा कि जो फार्मूला बनाए गए थे उसमें F आया था, U आया था, V आया था, M आया था। F को तो फोकल लेंथ कहते हैं, U को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, V को इमेज डिस्टेंस कहते हैं, M को क्या कहते हैं? स्मॉल मैग्नी है, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर जो 4 है वो मैग्निफिकेशन है, यानी स्मॉल एम की वैल्यू दी गई।
स्मॉल एम बराबर 4 हो गया। एंड कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट ये है कि जो दिया गया है उस पर साइन लगाते हैं, तो मैग्निफिकेशन दिया गया है इस पर साइन लगेगा। और अभी हमने देखा कि रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन में रियल इमेज है और रियल इमेज की वजह से मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। अच्छा भाई, अब आप देखिए ये जो 10 सेंटीमीटर है ये क्या चीज है? स्मॉल एफ, क्योंकि स्मॉल एफ को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एंड अगेन कमिटमेंट पूरा करो, जो दिया गया है उस पर साइन लगाएंगे। तो यहाँ फोकल लेंथ दिया गया है और कॉन्वेक्स वाले लेंसेज का जो फोकल लेंथ होता है उनका साइन प्लस होता है। क्वेश्चन में पूछा गया वस्तु की दूरी, यानी कि यू, यू माने वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू नहीं दिया गया है, देखो यू नहीं दिया गया है, यू पे साइन नहीं लगाना। जो नहीं दिया गया है उस पर साइन नहीं लगाते हैं, ठीक। अब आपको इन तीनों को देखो और इन तीनों से रिलेटेड कौन सा फार्मूला आपकी हेल्प करेगा? एक फार्मूला तो ये 1/f, 1/b, 1/ एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। आपको इसी फार्मूले को चुनना होगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन है, फोकल लेंथ है, यू है, और इसी फार्मूले में तीनों लोग आते हैं। पिक द फार्मूला एंड पुट द वैल्यूज। एम की वैल्यू क्या है? माइनस का 4। फोकल लेंथ क्या है? प्लस का 10। यू आपका दिया नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का 40 माइनस 4 यू बराबर 10, माइनस 4 यू बराबर 50, यू बराबर आ गया माइनस का 50/4 सेंटीमीटर। फर्दर भी अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जब क्वेश्चंस आप देखें और पढ़ें, क्या दिया है, पिक द रिजल्ट्स, क्या दिया है उनको लीजिए सिंबल के साथ और कमिटमेंट पूरा करिए। तब तक आगे मत बढ़िए जब तक जो दिया गया है उस पर साइन ना लगा लो। गिवन पर साइन लगा लो, उसके बाद फिर आपके पास में तीन यहाँ पर टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं, 1, 2, 3। जब क्वेश्चन में तुम लिस्ट बनाओगे, हमने लिस्ट बनाई, तो ये तीन लोग हमें उस फार्मूले पर मिलते हैं जो कि ये है, सेलेक्ट द यूजफुल फार्मूला एंड फाइंड द रिजल्ट्स। तो मैनी क्वेश्चंस आर वेटिंग। और एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, फेसिंग ऑब्जेक्ट विच इज एट डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन चाहिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो एक बार फिर से आप हेल्प करो हमारे की, क्या दिया गया है? ये जो 90 सेंटीमीटर है ये क्या चीज है? सिंबल में बताना, ये U है या V है या F है या M है? ये 90 सेंटीमीटर क्या है? U है, U है 90 सेंटीमीटर। यस नो बोलो भाई। तो U हो गया 90 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही पहचान रहे हो, पहले किसी ने F बोला था। तो यहाँ पर 90 सेंटीमीटर जो है यू है, वस्तु की दूरी है, जो दिया गया है उसमें तो साइन लगता है और साइन कन्वेंशंस की जो रूलिंग है उसमें देखा जाए तो वो नेगेटिव है। ये 60 सेंटीमीटर क्या है? यू है या वी है या एम है या एफ है?
एफ है फोकल, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर, और रूल जो साइन कन्वेंशन के रूल्स हैं उस पर ये प्लस है। यानी वो बहुत जरूरी बात है कि जो गिवन है उस पर साइन लगाओ तभी आगे बढ़ो। और अब हमसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी भी पूछा गया डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा गया। तो आप देखिए आपके पास में जो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इसको आप इस्तेमाल करें कर दीजिए। तो 1/f, 1/b, 1/u। f हमारे पास में प्लस का 60 है, v दिया नहीं गया, u की वैल्यू -90 है, 1/60, 1/b प्लस 1/90, 1/60 माइनस का 1/90 इज इक्वल टू 1/v। v निकालते देखते क्या आता है, 1/60, 1/90, 1/v। एलसीएम बोलो 60 और 90 का, 120 कोई ना हो 180। चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात को, क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, 180 एलसीएम आ गया। तो 63 जा 92 जा, तो 1/50 बराबर 1/50 बराबर 180 सेंटीमीटर। और हमारा ये जो बी आया वो प्लस में आया, और प्लस जब आता है तो साइन नहीं होता ना, दिखता नहीं है, लेकिन प्लस अंडरस्टूड। तो अगर ये बी आपको प्लस में मिला है तो साइन कन्वेंशंस को अगर देखें तो लेंसेज में अगर बी प्लस है तो वो रियल इमेज है, मतलब ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है वो रियल इमेज को सपोर्ट करता है। इस तरीके से कई सारे अब क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने हैं, तो गेट रेडी फॉर इट, नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो अब आज की क्लास खत्म करते हैं, कभी भी क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है, मैसेज काफ़ी पहले आ गया था। तो कल की भी टाइमिंग यही है ना अनिकेत? यस सर, कल छुट्टी है? नहीं, तब हाँ ठीक है, तो कल की टाइमिंग भी यही रखते हैं।